हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यो व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी भी रेगुलर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पे अगर आप यो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो इसमें आपको कई सारे नए नए लेटेस्ट फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं जो आपको रेगुलर व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से ऐसे नए नए फीचर्स हैं वो मैं आपको आने वाले नए वीडियोज़ में आपको मैं बताता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता दूँ यो व्हाट्सएप किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, दोस्तों उसका लेटेस्ट वर्जन है वो किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों साथ में पास वाला बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है क्रोम में। क्रोम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप कर देना है यो व्हाट्सएप डाउनलोड, ठीक है। दोस्तों जैसे आप ये सर्च कर लोगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो पहला ही जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वही इसका लेटेस्ट वर्जन है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक कर दो यहाँ पे आपको यो व्हाट्सएप इस तरह का खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 में से 9 रेटिंग इसको मिली हुई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड कर देना है और डाउनलोड पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको दूसरी बार इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भी आपको डाउनलोड पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक कर दोगे ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम देख लेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ है कि नहीं, देखते हैं डाउनलोड्स में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फाइल कंप्लीट होने को आ गई है। दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको कर दीजिए इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप अपना जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे आप ये व्हाट्सएप का यूज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।